हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू जीएस महाविद्यालय। आई एम योर एजुकेटर विभा परवार एंड आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स। नाउ चैप्टर वन इन ट्रिगोनोमेट्री। चैप्टर वन है एक्सपोनेंशियल ट्रिगोनोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। मीन्स कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज के एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मीन्स ई की पावर वाले ट्रिगोनोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस। सबसे पहले आता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मीन्स जिसमें रियल एंड वन रियल पार्ट होता है एंड वन इमेजिनरी पार्ट होता है। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई डिनोटेड बाई ई की पावर जेड। मीन जेड जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है इसका एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन उसको कैसे डिनोट करते हैं, एक्सपोनेंशियल मीन ई की पावर जेड एंड डिफाइंड है। डिफाइन कैसे किया जाता है इसको, ई की पावर एच सीरीज क्या होती है, वन प्लस जेड अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू। जेड मतलब जेड की पावर वन प्लस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर इसको समेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी जेड की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। इसमें अगर आप एन की जगह जीरो पुट करेंगे तो जेड की पावर जीरो, किसी भी नंबर की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन। जेड की पावर जीरो की वैल्यू वन अपॉन फैक्टोरियल जीरो इज आल्सो वन। सो फर्स्ट टर्म इज वन। नाउ सेकेंड टर्म एन की जगह पुट करना पड़ेगा जीरो के बाद वन, जेड की पावर वन अपॉन फैक्टोरियल वन। जेड की पावर वन मीन जेड अपॉन फैक्टोरियल वन एंड फैक्टोरियल वन इज आल्सो इक्वल टू वन। नाउ थर्ड टर्म एन इक्वल टू टू, तो जेड का पावर टू अपॉन फैक्टोरियल टू, जेड की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री। इसी तरह से आगे एकदम चलते जाएंगे प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट टू द इनफाइनाइट तक। ये था आपका कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जेड के लिए। अगर इसमें इमेजिनरी पार्ट बाई इक्वल टू जीरो ले लिया जाए, टेकिंग बाई इक्वल टू जीरो, देन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसका, रियल क्वांटिटी एक्स का क्या होगा, जेड ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई होता है जेड की जगह, वाई का वैल्यू आप पुट करेंगे जीरो, देन जेड इक्वल टू कितना बचेगा एक्स, देन ई की पावर एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आपको सीरीज बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है। इसके बाद आता है आयलर्स थ्योरम। आयलर्स थ्योरम क्या होती है, इफ थीटा इज एनी रियल नंबर देन ई की पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूला लर्न कर लेना है कि पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर आपको इससे वैल्यू निकालनी हो ई की पावर आई पाई अपॉन टू, मीन थीटा इक्वल टू कितना हो, पाई अपॉन टू, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ई की पावर आई पाई अपॉन टू, थीटा का कितना पुट कर दिया, पाई अपॉन टू। इसका आप ये एग्जाम्पल मान लीजिए, तो ई की पावर आई थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कॉस यहाँ पर थीटा क्या कितना है, पाई अपॉन टू, कॉस पाई अपॉन टू प्लस आई साइन पाई अपॉन टू। कॉस 90, कॉस पाई बाय टू मीन्स कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस जीरो की वैल्यू वन एंड कॉस 90 की वैल्यू जीरो। जीरो प्लस आई इंटू साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 वन, साइन जीरो का वैल्यू जीरो एंड साइन 90 का वैल्यू वन। तो ये कितना आएगा, जीरो प्लस आई इंटू वन मीन्स आई। नाउ इफ थीटा इक्वल टू पाई हो यहाँ पे, मीन्स ई की पावर आई पाई निकालना हो, देन थीटा इक्वल टू पाई, तो ई की पावर आई पाई इक्वल टू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। कॉस की वैल्यू देख लीजिए आप, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन, कॉस टू पाई की वैल्यू वन, कॉस थ्री पाई की वैल्यू माइनस वन, ऐसे ये वैल्यूज अल्टरनेट आगे जाती हैं। सो कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन प्लस आई इंटू साइन पाई की वैल्यू जीरो। पाई की साइन जीरो का वैल्यू जीरो है ना, पाई के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं साइन है वो सब जीरो होते हैं, तो ये कितना आएगा, माइनस वन। इसके बाद आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जेड के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस मीन साइन कोसाइन टेन कॉट कोसेक सेक फंक्शंस। नाउ पहले है द साइन एंड कोसाइन फंक्शंस
ऑफ अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो साइन का जेड का साइन फंक्शन कैसे डिनोट किया जाएगा, साइन जेड, जेड का कोसाइन फंक्शन कॉस जेड, तो आर डिनोटेड बाई साइन जेड एंड कॉस जेड रिस्पेक्टिवली एंड डिफाइंड बाई साइन जेड इक्वल टू, ये आता कैसे, अभी मैंने आपको आयलर्स थ्योरम पढ़ाई थी, क्या होती है ए की पावर आई थीटा इक्वल टू, अगर थीटा की जगह हम लोग जेड लेके चले तो कितना होगा, ए की पावर आई जेड इक्वल टू कॉस जेड प्लस आई साइन जेड, जेड की जगह माइनस जेड पुट कर दे तो ए की पावर माइनस आई जेड इक्वल टू कितना होगा, कॉस जेड माइनस आई साइन जेड। एक बार क्या करिए, आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ये फर्स्ट है, सेकेंड है एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ई की पावर आई जेड प्लस ई की पावर माइनस आई जेड इक्वल टू LHS से LHS RHS से RHS, कॉस जेड प्लस कॉस जेड कितना हो जाएगा, टू कॉस जेड आई साइन जेड माइनस का आई साइन जेड कैंसिल हो गया, टू अपॉन में आएगा, देन कॉस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई की पावर आई जेड प्लस ई की पावर माइनस आई जेड अपॉन टू, तो जेड का कॉस फंक्शन कितना हो गया, यही फार्मूला लिखा हुआ है, कॉस जेड इक्वल टू ई की पावर आई जेड प्लस ई की पावर माइनस आई जेड अपॉन में टू। एक बार आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो ई की पावर आई जेड माइनस फर्स्ट से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस ई की पावर माइनस का आई जेड इक्वल टू कॉस जेड प्लस आई साइन जेड, कॉस जेड प्लस आई साइन जेड माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस कॉस जेड प्लस आई साइन जेड, प्लस का कॉस जेड से प्लस का कॉस जेड, माइनस का कॉस जेड कैंसिल, ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस का आई जेड इक्वल टू आई साइन जेड प्लस आई साइन जेड टू आई साइन जेड, देन साइन जेड इक्वल टू कितना आएगा, साइन जेड इक्वल टू ई की पावर आई जेड माइनस का ई की पावर माइनस का आई जेड अपॉन में टू। ये फार्मूला आपका ये लिखा है, साइन जेड इक्वल टू ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड अपॉन में टू आई, सॉरी ये आई भी आएगा यहाँ पे, अपॉन में टू आई। इसके बाद अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस मीन्स टेन कॉट वगैरह क्या होंगे, टेन जेड इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन जेड वाले में कॉस जेड वाले का डिवाइड दे दीजिए, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड अपॉन में आई ई की पावर आई जेड प्लस ई की पावर माइनस आई जेड। कॉट कैसे निकलेगा, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट मीन्स कॉट जेड इक्वल टू वन अपॉन टेन जेड, तो ये अपोजिट हो जाएगा, आई ई की पावर आई जेड प्लस ई की पावर माइनस आई जेड अपॉन में ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक इक्वल टू वन अपॉन साइन, कॉसेक इक्वल टू वन अपॉन साइन, तो साइन का अपोजिट कर दीजिए, टू आई ऊपर हो जाएगा, टू आई अपॉन ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड। एंड सेक जेड क्या होता है, वन अपॉन कॉस, इसका अपोजिट कर दीजिए, टू अपॉन ई की पावर आई जेड प्लस ई की पावर माइनस आई जेड।